नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हम स्मार्ट कैसे बने। वो लड़कियां हो या महिलाएं हो या जो भी हो, हम दुनियादारी कैसे सीखें, हम स्मार्ट कैसे बने। इस दुनिया में जीना है, रहना है, तो हमें स्मार्ट जरूर बननी है। स्मार्ट का मतलब ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा स्मार्ट बन जाए कि अपने ही लोगों को ना पहचाने, अपने ही लोगों की कदर ना करें, तो ऐसा भी स्मार्ट हमें नहीं बननी है। लेकिन फिर भी हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है स्मार्ट बनने के लिए, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये कलयुग है और इस दुनिया में जीने के लिए ना कहा गया है ना कि हमारे घर में जैसे लोग कहते हैं या बच्चे कहते हैं आजकल के कि स्मार्टफोन चलाने के लिए स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। तो आपको तो मालूम ही है कि पूरा डिजिटल दुनिया हो गई है और स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट मोबाइल, हर चीज तो दुनिया में स्मार्ट ही हो गया है। तो हम स्मार्ट क्यों ना बने, जितना हो सकता है, जितना हमसे बन पड़ता है उतना हम स्मार्ट जरूर बनेंगे कि कोई हमें जो है ना ऐसा नहीं कि अपना उल्लू सीधा करके निकल जाए, हमें धोखा दे जाए। तो दुनियादारी हमें कैसे सीखनी है, दुनिया में रहना है, जीना है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखनी है कि हमें स्मार्ट बन कर रहनी है जितना हो सकता है, जितना हमारे बस में है हम जरूर करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर स्मार्ट पत्नी रहती है ना तो हस्बैंड का आधा कार्य वही संभाल लेती है, आधा कार्य कर लेती है। और स्मार्ट का मतलब देखिए, सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि किसी को दो बात सुना दिए, वो दो बोल रहा है तो हम चार बोलकर और क्या, तो हम स्मार्ट है, हमें बोलना आता है, हमें जवाब देना आता है। बहुत सारे लोग है ना कि फटाफट सही बात है, जवाब देने नहीं आता, समय पर नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आता तो हम स्मार्ट नहीं है। किसी को दो बात सुनाकर हम चुप करा दिए तो हम बहुत अधिक अपने को स्मार्ट समझते हैं, ऐसा नहीं। कहीं कहीं पर चुप रहना भी स्मार्टनेस की सबसे बड़ी निशानी है। चुप रह कर भी आप जवाब दे सकते हैं और चुप में इतनी अधिक ताकत है ना कि बड़े बड़े स्मार्ट को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो इसलिए चुप रह कर भी हमें अपने स्मार्ट की परीक्षा देनी है। बहुत अधिक बोलकर, ज्यादा अपने को ओवर स्मार्ट दिखाकर अधिक बोलने वाले स्मार्ट नहीं होते हैं। जितना ही समझदारी से काम करेंगे ना उतना ही आप स्मार्ट कहलाएंगे। किसी भी कार्य में हमें जल्दीबाजी नहीं दिखानी है। हम महिलाएं बहुत जल्द घबरा जाते हैं और आप ही नहीं, मैं भी घबरा जाती हूँ। जैसे बहुत सारे कार्य आ जाते हैं तो ये भी करना है, वो भी करना है, बाहर भी जाना है, ऐसे करना है, तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ। ऐसा नहीं कि सभी मतलब कोई कोई होता है, हर महिलाओं की ये स्वभाव होती है। लेकिन सही बात है, ठंडे दिमाग से अगर कार्य पे कार्य हम एक के बाद एक करते जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हमारे कार्य होते नहीं है, हो जाते हैं। लेकिन हम बहुत ज्यादा चिंता प्रेशर लेकर अगर कार्य करने लगते हैं तो क्या होता है, हमारे कार्य जो है बनने की बजाय बिगड़ने लगते हैं। तो स्मार्टनेस की एक ये भी निशानी है कि हमें बहुत समझदारी से और ध्यान से धीरे धीरे कार्य करनी है। धीरे का मतलब ऐसा नहीं बोलूंगे कि बहुत अधिक धीरे, लेकिन हमें समझदारी की दिखानी है। स्मार्ट का मतलब ये हुआ कि देखिए, बच्चों के साथ हो, घर परिवार के साथ हो, घर का देख रेख हो, जितना हमसे बन पड़ता है। ऐसा नहीं बोलूंगी कि इतना ज्यादा कार्य करने लगिए कि बीमार हो जाइए, आपका तबीयत खराब हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसा भी नहीं करनी है। लेकिन जितना, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सबसे पहले आपको समझनी है। लेकिन अगर किसी को देखकर आप कुछ सीखते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। जब आप लोग मुझे कमेंट्स करती है ना कि दीदी पहले हम ये गलती करते थे, हमसे ये नहीं होता था, लेकिन अभी आपके कार्य देखकर, आपका मतलब सिखाने का तरीका देखकर और बहुत कुछ मेरे में बदलाव आ गया। पहले मैं 10 बजे सोकर दीदी उठती थी, ये सब मैं सुनती हूँ तो पहले क्या बोलूँ, हंसू की बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों के कमेंट सुनकर मैं बोली चलो, इतनी सारी बहनें मेरी मतलब सुधर रही हैं, समझदार हो रही हैं, तो क्या मेरे लिए तो मतलब इतनी सौभाग्य की बात है कि मैं क्या बोलूँ, कोई शब्द नहीं रहता, कोई वर्ड नहीं रहता। जब आप लोग तारीफ पे तारीफ करते हैं तो सभी को अपना तारीफ अच्छा लगता है और इतना समय निकाल कर मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और फिर सामने से कोई अगर देखने वाला आपकी प्रशंसा करे, आपकी तारीफ करे, आपका प्रेज करे, तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून मिलती है और शांति मिलता है हमें।
तो इसी प्रकार से आप लोग सुधरिए और घर परिवार का नाम रोशन कीजिए। भगवान से भी हमारी यही दुआ है कि जो भी मेरी बहनें हैं जहाँ रहें स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें, और भी जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं। ये हो गया। अगली चीज क्या है कि बच्चों को भी जितना में है जो पहनते हैं उनका पहनावा ओढ़ावा, मतलब जो भी कपड़ा वस्त्र है साफ सुथरा होनी चाहिए, सिली हुई होनी चाहिए, फटा कटा नहीं होनी चाहिए। इस बात का तो हर माताओं को ध्यान रखनी चाहिए, हर माओं को ध्यान रखनी चाहिए। और अगली चीज क्या है कि देखिए, जो हमें भाव नहीं देता है, जो मतलब हमारा रिस्पेक्ट नहीं करता, उनसे हमें दूरी बनाकर रखनी हो। पड़ोसी हो या आपके रिश्तेदार परिवार वाले हैं, तो मजबूरी में तो रिश्तेदारों से देखिए आप कितना दूरी बनाकर रखिएगा, बोलना ही पड़ता है। लेकिन जो आपका रिस्पेक्ट ना दे, जो कभी भाव ना दे, हमेशा उल्टा और कड़वा सुनाते रहे, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना लेंगे ना, इस दुनिया में सही से आप रह पाएंगे, जीवन यापन कर पाएंगे। ये दूसरी चीज क्या है कि स्मार्ट का मतलब हमें समय देखकर कहीं भी मुंह खोलिए। जहाँ पर गलत समय है, जहाँ हमारे बोलने से कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, वहाँ हमें स्मार्ट रहते हुए भी हमें चुप रहनी है। हमें जवाब आ रहा है, हमें बोलने आ रहा है, फिर भी हमें बोलनी नहीं है, क्योंकि वहाँ आपका कार्य अगर बनने की बजाय बिगड़ने लगे आपके बोलने से, तो वहाँ हमें चुप रहनी है। अगली चीज क्या है कि और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। जहाँ हमें जरूरत है वहाँ हमें जरूर बोलनी है, अपने लिए जरूर मतलब साइड लेनी है, अपने लिए जरूर आपको खड़ा होनी है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और आपको ये भी ध्यान रखनी है कि हमें कहाँ बोलनी है और कहाँ नहीं बोलनी है, इस चीज को पहले पहचानिए, क्योंकि हम जो नहीं चाहते हैं वो भी हमारे मुख से निकलते जाता है, और जैसे उस समय वो हमें नहीं बोलनी चाहिए, बाद में हमें पछतावा होती है, लेकिन फिर भी हम जैसे नासमझी में वो चीज बोल जाते हैं। तो यहाँ भी आपको समझदारी दिखानी है, समझनी है कि कहाँ हमें बोलनी है और कहाँ हमें चुप रहनी है। समय के साथ देखिए हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, बचपन में समझ में नहीं आता, बहुत सारी चीजें हमारे द्वारा भी गलती हो जाती है और ना समझी में बहुत कुछ हम बोल जाते हैं, लेकिन हमें जो है अपने अंदर थोड़ा सा मैच्योरिटी आनी चाहिए। हर आदमी को मैच्योर होना चाहिए और कहाँ बोलनी है और कहाँ नहीं बोलनी है, इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए कभी भी मुंह खोले। कोई चिल्ला रहा है तो उनके साथ हमें कभी नहीं चिल्लानी है। मान लीजिए वो ट्रेन हो गया, बस हो गया, प्लेटफॉर्म पे भी मैं देखती हूँ लोग आपस में झगड़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, तो नहीं, हमें झगड़ा करनी है। किसी का पैर दब जाता है, मतलब कोई कुचल देता है, वहां भी लोग गाली गलौज झगड़ा करने लगते हैं, ये कहाँ की समझदारी है। सामने वाला चुप है तो इसका मतलब हमें उसका गलत फायदा नहीं उठानी चाहिए, और कोई चिल्ला रहा है तो आप चुप रह के वहां से निकल जाइए, क्योंकि चुप में बहुत अधिक ताकत है। तो स्मार्ट आदमी का, समझदार आदमी का ये भी निशानी है। अगली चीज क्या है कि अपनी वैल्यू, अपनी इज्जत, अपना रिस्पेक्ट, जो हर वीडियो में समझाती हूँ, अपने हाथ में है। आप अपना रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं दूसरों के नजर में, इज्जत खोना नहीं चाहते हैं, तो आपको अपनी वैल्यू भी बनाकर रखनी है, वैल्यू बढ़ानी है, क्योंकि सामने वाला अगर इज्जत नहीं कर रहा फिर भी आप दौड़ दौड़ के बोलने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं, तो क्या होगा ना, आप हल्के हो जाइएगा। तो हमें भारी बनकर रहनी है। अपना वजन आपको कभी खोनी नहीं चाहिए। वजन का मतलब शरीर का वजन नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अपना वजन हमें बना कर रखनी है। जब सामने वाला आपका इज्जत नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो हमें उसके मुख नहीं लगनी। आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, बहुत मजबूरी हो तभी आपको मुख खोलनी चाहिए। अगर सामने वाला समझदारी से अगर बात कर रहा है तो आप करके अपना कार्य करके आ जाइए, आपको झगड़ा झंझट करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। प्यार से अगर हो जाता है तो कर लीजिए, नहीं होता है तो उसके लिए दूसरा उपाय ढूंढिए, लेकिन कभी भी महिलाओं को तो कभी किसी के मुख नहीं लगनी चाहिए। और अगला ध्यान आपको क्या रखनी है कि हम जितना में है, जो हमारे पास भगवान ने दिया है उसी में, जो कि मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बता चुकी हूँ कि लाडली वाइफ कैसे बने। तो कई ऐसे लोग कहते हैं कि देखिए प्यार करने वाला पति होगा तो आपको सजने संवरने की जरूरत नहीं। सही बात है, आपका भी कहना बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए अच्छे स्वभाव वाले जो लोग हैं वो आपको सजने संवरने की सही में जरूरत नहीं है, वो आपका रिस्पेक्ट आदर सम्मान प्यार जरूर करेंगे। फिर भी नियम है कि लड़कियों को, महिलाओं को, मतलब लड़कियों को नहीं बोलूंगी, अनमैरिड को उतना जरूरत नहीं है, लेकिन जिनकी शादी हो गई है, शादीशुदा महिलाओं को सज संवर कर ही रहनी चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी माता की स्वरूप है, और लक्ष्मी माता ऐसे तैसे गंदे मैले कुचैले वस्त्र में शोभा नहीं देती। लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, महिलाओं को सज संवर के रहे तो उनमें पूरा लक्ष्मी माता का ही वास माना जाता है, रूप माना जाता है, स्वभाव माना जाता है। तो इसलिए महिलाओं को जोर से चिल्लाना, बड़ा निवाला
खाना, जोर से चलना, ये सब चीजें लक्ष्मी का मतलब बिल्कुल स्वरूप नहीं है। तो इन सभी चीजों को अवॉइड करनी है और सज संवर के रहने से घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है और पति भी कहीं ना कहीं पति का भी अब दिल जीत लेती हैं। तो उतना ज्यादा की जरूरत नहीं है, उतना लिपा पोती नहीं है, लेकिन जितना में रहे स्मार्ट भी रहनी है और सुंदर स्वच्छ हमें वस्त्र धारण करके और सुंदर बनकर रहनी है, ठीक है। और अगला ध्यान आपको क्या रखनी है कि दुनियादारी भी हमें साथ में सीखनी है स्मार्ट के साथ साथ। कि देखिए, हर आदमी पे आपको दिल खोलकर विश्वास नहीं करनी है। बहुत ऐसे लोग हैं चिकनी चुपड़ी बातें करके महिलाओं को, लड़कियों को बहला फुसला लेते हैं, ये कार्य कर लीजिए पति के खिलाफ होकर, वो कर लीजिए ऐसा, मतलब ये खोल दीजिए, बहुत सारे स्कीम दिखाते हैं, इसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए तो ये हो जाएगा, तो वो बढ़ जाएगा, इतना डबल हो जाएगा रातों रात। तो इन सब चीजों पे भरोसा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ओवर स्मार्ट बन के हम चलो खोल देते हैं, हमारे पति नहीं जानते। तो पति के खिलाफ होकर कभी कोई कार्य और कोई कदम आपको नहीं उठानी चाहिए, जरूर जना दीजिए, बता दीजिए, नहीं तो हमें धोखा का ही सामना करना पड़ता है और फिर हम जो है कहीं के नहीं रह जाते। तो कभी भी आंख मूंद कर किसी के ऊपर विश्वास हमें नहीं करनी चाहिए और बाहर वालों पर तो एकदम नहीं करनी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले देख लीजिए कि आदमी कैसा है, जांच पर रख लीजिए। ऐसा नहीं कि जो मीठी मीठी बातें कर रहा है वो बहुत अधिक अच्छा हो, बहुत विश्वासी हो। तो आपको इन सभी बातों का भी ध्यान रखनी है, किसी के ऊपर कभी विश्वास ना करें। या मेन डोर वगैरह भी आप लोग खोलने जाते हैं पहले झांक कर देख लीजिए, ये भी एक स्मार्टनेस की सबसे बड़ी निशानी है। या उसमें जो ग्लास वगैरह लगे रहते हैं फ्लैटों में, उसमें से भी आपको कांच में से झांक कर देख लेनी चाहिए, तभी डोर खोलनी चाहिए। हर महिलाएं लड़कियां इन बातों का ध्यान रखेंगी तभी आप एक स्मार्ट वाइफ हैं, स्मार्ट पत्नी हैं, स्मार्ट लड़की हैं। कि अपना भी ध्यान रखनी है और घर परिवार वालों का भी ध्यान रखनी है और फूक फूक कर हमें कदम रखनी है। सारी बातें समझ में आ गई। और जो भी भोजन वगैरह भी आप लोग बनाते हैं, अच्छे तरीके से हेल्दी भोजन बनाकर ही बच्चों को दें या अपने परिवार वालों को दें। सारी बातें क्लियर हो गई। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।